कोविड-19 महामारी में पिछले 3 माह से पढ़ाई से वंचित छात्रों की परेशानी को बहुत हद तक कम करने के लिए इन्वेंटर्स एडुकेयर ने इंजीनियरिंग एवं मेडिकल के छात्रों के लिए इन्वेंटर्स एडुकेयर ऐप आज लॉन्च किया है। अशोक चौधरी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष को लीगल नोटिस भेजा है और 10 दिन का समय दिया है माफी मांगने के लिए। एडिट वीडियो को जारी कर छवि खराब करने की कोशिश करने का लगाया आरोप। ये राजनीतिक दल जिन्होंने बिहार की जनता ने बड़ी मान सम्मान से पूरे प्रदेश के दलित शोषित वंचित समाज ने लालू प्रसाद यादव को और उनके परिवार को 15 साल तक राज्य करने का मौका दिया, लेकिन इन लोगों ने तो पूरे प्रदेश का ही ढोल बजवा दिया पूरे देश में दुनिया में। इसलिए इनको तो ये ढोल बजाने का बहुत शौक है। जो व्यक्ति एक पोस्टर का अनावरण कर रहा है, नेता प्रतिपक्ष एक तरफ अपने पोस्टर का अनावरण कर रहे हैं और नेता मुख्यमंत्री एक तरफ SLBC की बैठक कर रहे हैं बैंकरों के साथ, इस प्रदेश का कैसे विकास हो, कैसे हमारे जो छोटे जो हमारे यहाँ इंटरप्रेन्योर हैं उनको कैसे लोन मिले उसकी चिंता कर रहे हैं। तो ये कार्य संस्कृति और कार्य प्रणाली का फर्क है। जो व्यक्ति खुद ही 2-3 महीना गायब रहा, प्रदेश में रहा नहीं, आपदा के समय में लोग खोजता रहा, लोग बोलता रहा कि भाई कहाँ है नेता प्रतिपक्ष, अब जब वहाँ दिल्ली से लौट करके आए हैं लॉकडाउन के बाद, तब आप जाकर के दूसरे को आप क्या बोलते हैं प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ऐसे ही पूरे प्रदेश में आप कर रहे हैं कि लाशों के ढेर पर राजनीति कर रहे हैं। कितना डेथ रेट है बिहार में, पूरे देश और दुनिया का डेथ रेट से बिहार का डेथ रेट क्या है, नेशनल डेथ रेट का रेट और बिहार का डेथ रेट क्या है, ऐसे कुछ भी आप बोल दीजिएगा, कुछ भी आप दुष्प्रचार करके आप किसी की छवि धूमिल करना चाहते हैं। हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, जो बात हमने कही नहीं उस बात को उन्होंने अपने ट्विटर से अपने फेसबुक से उन्होंने डाला है। कोई भी व्यक्ति को एक छवि बनाने में बहुत समय लगता है, लंबा समय लगता है, तब जाके वो छवि बनाता है। पर नेता प्रतिपक्ष ने बिना जाने समझे हमारे बारे में मेरी छवि को एक खराब करने का प्रदेश में काम किया है, इसलिए हमने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है कि आप माफ़ी मांगिए या फिर आप माफी नहीं मांगते हैं, डिलीट नहीं करते अपने पोस्ट को, तो हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र के लवापुर में कबाड़ी के काम करने के दौरान करंट की चपेट में आने से एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद युवक के मृत शव को महनार CSC में रखकर फरार हो गया। काफी समय के बाद लावारिस हालत में CSC में पड़े शव की पहचान महनार नगर के वार्ड संख्या 3 हरेश्वर पासवान के पुत्र चंदन कुमार के रूप में हुई। मृतक के खबर जैसे ही परिजनों को हुई, भारी संख्या में लोगों का हुजूम महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जुट गई और चारों ओर परिजन की चीख पुकार मच गई। वहीं मृतक के परिजन का आरोप है कि युवक की हत्या कर सबको महनार CSC में रख दिया गया। वहीं सूचना के बाद पुलिस बल के साथ पहुंचे महनार थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह मामले की जांच में जुट सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजने में जुट गए। बाप रे बाप, अरे ये रोशन राज जो से काम करने के लिए गया था, इसको जबरदस्ती नहीं जा रहा था, है ना, उसके बाद ही ले गया जबरदस्ती कि चलो काम करने के लिए, है ना, ले गया हुआ जैसे करंट लगवा दिया जैसे इसको, है ना। क्या चीज का काम करे? ये कबाड़ी का काम करता था ये भी, है ना। कहाँ पे? ये लवापुर में जैसे करंट लग गया, करंट लगा दिया है। यहाँ कौन लाया? है ना, हाँ ये जो है यहाँ कैसे आया है? यहाँ जो है लाकर के उठा कर ग्रामीण लोग से रख करके जैसे चला गया है जैसे, तो हमको सूचना मिली है कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो जो हम आए हैं तो इस ढंग का ये बता हम देख रहे हैं कि हमारा भतीजा मरा हुआ है, यही कमा कर खिलाने वाला है, वो कम हुआ था जिसका गत बरस बाप भी दिसंबर में मर गया, इसकी वटावर फिर है ना, वो गार्जियन का यही सहारा था, यही पाल देखता था, कमा करके यही देता था। गार्जियन को चंदन कुमार पासवान नाम है इसका।